हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी गर्ल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन क्रीम के बारे में जो कि ग्लोइंग स्किन के लिए और फेयरनेस के लिए बहुत अच्छी है अगर आप सही तरीके से इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो। देखिए, जो मेडिकेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखा देती हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं अगर आपने सही तरीके से यूज़ नहीं की। लेकिन जहाँ बात आती है होम्योपैथ की, तो वहाँ की चीज़ें नेचुरल होती हैं, हर कोई भरोसा कर सकता है और उनका आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। तो आई होप कि अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर दिया हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लो केयर कॉम्प्लेक्सन क्रीम की। ये एक होम्योपैथिक क्रीम है, 20 ग्राम का ट्यूब। आपको ये 95 रुपीज़ में ईजिली किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। ये अगर आप अपनी स्किन टोन को लाइट करना चाहते हैं, अपनी स्किन आपकी बहुत ज़्यादा डल है, बेजान है, सनटैन हो गया है, कोई भी ग्लो नहीं रहा है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार मॉर्निंग में अपने फेस को वॉश करने के बाद, जैसे कि नॉर्मल अपनी कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसको नाइट में भी यूज़ करना है। और मैं आपको बता दूँ, होम्योपैथिक के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उनको यूज़ करने के बाद आप सन में नहीं जा सकते हैं। तो इसको यूज़ आप दिन में बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। तो इसमें विटामिन B3 है, इसके अलावा पेप्टाइड है, लिकोराइस है, वीटिवर है। ये एक घास होती है जो कि सुगंधित होती है। ये इसमें फ्रेगनेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें किसी भी तरह की केमिकल फ्रेगनेंस यूज़ नहीं की है, नेचुरल यूज़ की है। एलोवेरा है, एलोवेरा तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, लाइट करती है। विटामिन B3 है, ये आपकी स्किन पे जो भी डलनेस हो गई है या जो भी डार्क स्पॉट हैं उन्हें रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो लिकोराइस है इसमें, वो आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइट करती है। तो किसी भी उम्र में आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैन हो, वोमेन हो, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।